मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता, वेलकम टू काली मिर्च। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को सुबह दूध, चाय या कॉफी पीने की आदत होती है। अगर इनके साथ कुछ फ्रेश कुकीज मिल जाए तो आइए दोस्तों, आज बनाते हैं एगलेस होल व्हीट चोको चिप कुकीज। होल व्हीट चोको चिप कुकीज बनाने के लिए हम लेंगे 200 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम चॉकलेट चिप्स, 30 ग्राम व्हाइट ग्रैनुलेटेड शुगर, 80 ग्राम ब्राउन शुगर, 100 ग्राम बटर, 75 ml दूध, 1 टेबलस्पून दही, आधा टीस्पून वैनिला एसेंस, आधा टीस्पून सिनेमन पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम एक बोल में व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और बटर को एक साथ मिक्स करेंगे। हम हैंड ब्लेंडर से इन सबको 7 से 8 मिनट तक एक साथ मिक्स करेंगे। मैंने इस सारे मिक्सचर को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत फ्लफी हो जाता है और इसका कलर भी चेंज होके हल्का वाइट हो जाता है। अभी हम इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर, वैनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर और दही। आइए इन सबको मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा और अच्छे से मिला लेंगे। आटे में हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सॉफ्ट डो बना लेंगे। आइए, जब तक हम डो बना रहे हैं तब तक हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे कन्वेक्शन मोड। टेम्परेचर सेट हो गया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इस डायल की मदद से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर रही हूँ। हम प्रेस करेंगे स्टार्ट 2 बार। ये प्रीहीट मोड में आ गया है। प्रीहीट मोड में टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ओवन खुद डिसाइड करता है कि उस टेम्परेचर में लाने तक उसे कितना समय चाहिए। ये हमारा डो तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसमें डालेंगे चोको चिप्स और एक बार वापस नीड कर लेंगे ताकि चोको चिप्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये कुकीज का डो तैयार है। एक माइक्रोवेव सेफ ट्रे को मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। आइए अभी इसमें कुकीज डाल देते हैं। हम आटे का कुछ इस तरह से छोटा पेड़ा लेंगे, उसे राउंड शेप बना लेंगे। और हल्के हाथ से प्रेस करके इसे कुकी का शेप दे देंगे। हमारी कुकीज लाइन अप हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें स्प्रेड आउट करके रखा है, क्योंकि ये बेक होते समय फूल जाती है और एक दूसरे से चिपकने की संभावना होती है और हम ये नहीं चाहते। हम ओवन में इसे लो रैक पे रखेंगे। ओवन प्रीहीट हो गया है और मैंने कुकीज को भी ओवन में रख दिया है। आइए टाइम सेट करते हैं 10 मिनट। स्टार्ट कर देते हैं। 10 मिनट में कुकीज बेक हो गए हैं। आइए इन्हें ट्रे से निकाल के रैक पे ठंडा होने के लिए रखते हैं।
ये कुकीज का सेकेंड बैच अवन में जा रहा है। इसी तरह से हम सारी कुकीज को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक बेक करेंगे। दोस्तों, ये होममेड होल व्हीट चोको चिप कुकीज तैयार है। ये बच्चों को काफी पसंद आती है। आप इन्हें खा सकते हैं दूध या कॉफी के साथ। तो दोस्तों, बनाइए इसे अपने घर में और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी काले मिर्च पर smita.com पर। टिल देन कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।